जब हमारी नासिका में गुनगुना पानी जाता है यानी ल्यूकोमोटर, तो पहला प्रभाव पड़ना तभी शुरू हो जाता है। हमारी नासिका के अंदर एक साइनस ग्रंथि होती है जो श्लेष्मा पैदा करती है, और जब नासिका में बाहर की वायु प्रवेश करती है तो उसमें से है धूल मिट्टी के कणों को सोख लेती है, और साथ ही बाह्य वायुओं का तापमान शरीर के अनुकूल बनाकर अंदर फेफड़ों तक जाने देती है, चाहे वायु ठंडी हो या गर्म, क्योंकि यह एक छिद्र छेद वाली स्पिंज की तरह होती है। आपने कभी अनुभव किया होगा श्लेष्मा के कारण यानी कफ के कारण हमारी नाक कभी कभी बंद हो जाती है तो हम मुख से श्वास लेना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उस भारी वायु का तापमान शरीर के अनुकूल नहीं हो पाता जिस कारण हमें कोल्ड के साथ साथ यानी सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार भी आने लगता है। तो दोस्तों ये नीति क्रिया की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक योगशाला। आपको अनुभव हो ही गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस क्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। जननेति षटकर्म की तीसरी क्रिया है, और मैं इसकी वीडियो पहले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी हम षटकर्म की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसी क्रिया को कराया जाता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसकी टेक्निक, प्रिक्वेशन यानी सावधानियाँ, और वीडियो के लास्ट में हम इसके बेनिफिट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक नीति पोट और ल्यूकोम वाटर यानी गुनगुना पानी, और नमक रख लेंगे सादा, और एक जग में सादा पानी रखेंगे क्योंकि कभी कभी पानी गर्म या ठंडा हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए रखते हैं। अब हम तैयार करेंगे जलनीति के लिए, इसमें थोड़ा हल्का नमक डाल लेंगे, इसको स्वाद अनुसार डालेंगे नमक को। ध्यान रखें पानी का टेस्ट नमकीन जैसा होना चाहिए, ठीक है, स्वाद के अनुसार नमक को डालना है। अब हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे और थोड़ा सा इसको एक बार टेस्ट करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको, और एक बार हमें पानी का टेम्परेचर टेस्ट कर लेना है। पानी का टेम्परेचर हमेशा हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसके बराबर ही होना चाहिए, ना अधिक ठंडा और ना अधिक गर्म। आपने आंसू तो टेस्ट किया होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मतलब पानी का जो तापमान है और जो नमकीनपन है वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम टेस्ट कर लेंगे एक बार अच्छे से, अब बराबर हो गया हमारा पानी। हल्का गर्म और नमकीन पानी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारी मांसपेशियाँ होती है अंदर की, जो स्मूथ मसल्स होती है, वो नमकीन पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब सोख नहीं पाती। और उसका एक कारण और भी है, जब हम कहीं ना कहीं नमक मिलाते हैं तो इसमें हमारा पानी हल्का हो जाता है, वो धीरे से मतलब नासिका से निकल आता है, इसलिए पानी में नमक मिलाया जाता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी विधि कैसे इसमें खड़ा होना है। नीति पोट को अच्छे से पकड़ेंगे जैसा कोई वीडियो में दिखाई दे रहा है, और यहाँ से 45 डिग्री आगे झुक जाएंगे और गर्दन को कर लेंगे साइड में टेढ़ा, और नासिका पे लोटा इस प्रकार लगाएंगे, लोटे की टोंटी, कि पानी बाहर ना निकल सके, अच्छे से लगाएंगे और मुंह को रखेंगे खुला। हमेशा ध्यान रखना है मुंह को रखना है खुला, और मुंह से सांस लेंगे, नासिका को रखेंगे फ्री, और एक बार इसको साइड से भी देख लेंगे, पानी को धीरे धीरे जाने देंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको हल्की सी झंझनाहट का अनुभव हो सकता है नासिका के अंदर, क्योंकि जो हमारी साइनस ग्लैंड में अंदर कफ लगा होता है, जो श्लेष्मा होता है, वो धीरे धीरे हट जाता है, और जब हम वहाँ पर पानी का प्रवेश कराते हैं तो हमको हल्की सी झंझनाहट का अनुभव होता है। ये हमें कभी कभी गर्मी में भी अनुभव हो जाता है इस चीज़ का, क्योंकि जो गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, उससे हमारा जो कफ होता है अंदर का कफ सूख जाता है, और जब हमारी हवा सीधी जाके लगती है नासिका के ऊपर तो हल्की सी झंझनाहट का अनुभव हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है, जो साइनस ग्लैंड होती है हमारी, वो टेम्परेचर को कन्वर्ट करती है, जो बाहर की ऑक्सीजन होती है उसका टेम्परेचर कन्वर्ट करके ही अंदर फेफड़ों तक पहुँचाती है। और हम जलनीति का अभ्यास बैठ कर भी कर सकते हैं, कुडुकागासन होता है जो, उसमें बैठ कर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास दो तरीके से किया जाता है, बैठ कर और खड़े होकर। जब हमारा दोनों साइड से हो जाए तो हमें इसकी सावधानी का कुछ ध्यान रखना है, जो पानी अंदर नासिका में रुका रहता है उसको बाहर निकालने के लिए वो करनी पड़ती है। और हमें इसमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी है, एक तो हमारा पानी अधिक गर्म ना हो, अधिक नमक ना हो, नमक अच्छी तरह से घुला हो। अगर शुरुआती समय में नासिका में जलन हो रही है तो इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास के बाद सब नॉर्मल हो जाएगी। अगर किसी को नासिका से खून आने की पुरानी बीमारी है तो वो भी इस अभ्यास को परामर्श के अनुसार ही करे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स। जो हमारी साइनस ग्लैंड होती है उसमें हमारे आँख, नाक और कान की नाड़ियाँ जो नसी होती है वो जुड़ी रहती है, और नीति क्रिया उन्हें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का कार्य करती है, साथ ही साथ उन्हें शुद्ध यानी क्लीन भी करती है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाती है। अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है उसमें यह बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर किसी को कोल्ड यानी जुकाम है उसमें भी हम इस क्रिया को करा सकते हैं। और इसका जो मुख्य लाभ है, यह हमारे कपाल यानी खोपड़ी, जो हमारा हेड होता है ऊपर का सर, उसकी शुद्धि करती है, उसकी क्लीनिंग करती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, और जितने भी हमारे कंधे से ऊपर के सभी रोग होते हैं, 20 प्रकार के जो कफ के रोग होते हैं, उनमें यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है, उन सभी को यह समाप्त करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।